प्रोफेशनल नंबर क्लास 8 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हमें प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो आप देखोगे ये 3/7 यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे भी 3/7 कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले मुझे इस -1/14 को पीछे भेजना होगा और इस पूरे को आगे लाना होगा। इट मीन्स पहले हम यूज़ करेंगे कॉम्यूटेटिव। तो बाई यूजिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद हम इसको लिखेंगे 2/5 मल्टीप्लाई 3/7 -3/7 इंटू 3/5 माइनस का 1/14। ठीक है, अब इसको एक बार और अभी तो मैंने पूरा उठा के इसको इधर रखा। अब देखो ये -3/7 पीछे है, तो मैं इस -3/7 को आगे लेके आऊँगी। तो हम अगेन कॉम्यूटेटिव का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे माइनस का 3/7 इंटू 3/5 माइनस का 1/14, क्योंकि मुझे माइनस का 3/7 अब मैं ले लेती हूँ बाहर कॉमन। ठीक है, अब हम यूज़ करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव। बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो होती है, हमें देखो इस फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं प्लस मानूंगी a मल्टीप्लाई बी प्लस सी। ठीक, तो a मेरा 3/7 है, माइनस मैंने बाहर ले लिया तो ये पॉजिटिव ही बचेगा। इसमें भी मैंने माइनस बाहर ले लिया तो ये भी पॉजिटिव ही बचेगा, माइनस का 1/14 माइनस का 3/7। देखो इसको ऐड करोगे तो ऊपर 3 + 2 ये क्या हो जाएगा, 3 + 2 5/5 माइनस का 1/14 3/7 5 से 5 कटा 1 माइनस का 1/14 ये भी माइनस का है। एलसीएम लोगे 14 आएगा, इसके ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई 3 × 2 = 6 और माइनस का 1 माइनस का 7/14 दैट इज़ माइनस का 1/2 इज़ द करेक्ट आंसर।